welcome back. Coming to the next point. Characteristics of simple harmonic motion. बच्चों आज हम देखेंगे कि SHM की characteristics के बारे में. Okay? ध्यान दो बच्चों. This is a straight line part. ये तुम्हारा हो गया mean position, जहां पर x का value रहेगा 0. ये तुम्हारा extreme position, ये भी तुम्हारा extreme position. EP is called as what? Extreme position. EP extreme position. But this is positive extreme position and this is negative extreme position. यहां पे रहेगा x का वैल्यू प्लस a और यहां रहेगा x का वैल्यू माइनस a. और बच्चों यहां पे हमारा पार्टिकल है जो कि SHM परफॉर्म करने वाला है. मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम से मीन. दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन, कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन. इसे कहा जाता है बच्चों क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके अंदर बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे एम्पलीट्यूड. बच्चों एम्पलीट्यूड ये होता है हमारा क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. मीन पोजिशन से पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसे कहा जाता है बच्चों क्या? एम्पलीट्यूड. वेरी सिंपल डेफिनेशन. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कहां से? फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, जिसको डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल A से. दैट्स इट बच्चों. नेक्स्ट पाथ लेंगे. नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस इसे कहा जाता है बच्चों क्या? पाथ लेंथ. इट इज डिनोटेड बाय टू टाइम्स ए. इज इट क्लियर? टू टाइम्स ए. टोटल डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एक्सट्रीम से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम इसके बीच का टोटल डिस्टेंस मतलब हमारी क्या होगी? कंप्लीट पाथ लेंथ. इज इट क्लियर बच्चों? देन नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में. बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है? What do you mean by time period? Time period समझने से लिए पहले हम लोग बात करेंगे one oscillation क्या होता है. बच्चों अगर particle हमारी अपनी journey mean से start करता है, mean से गया extreme, तो यहाँ पे आ गया. Extreme से फिर आएगा mean, फिर mean से इधर वाले extreme पे आएगा और फिर extreme से mean जाएगा. आगे पीछे about this fixed point move होता रहेगा. That is called as oscillation. One oscillation का मतलब क्या होता है? Particle mean से extreme गया, एक्सट्रीम से फिर मीन आया, फिर मीन से एक्सट्रीम गया और एक्सट्रीम से फिर मीन आया. इसे कहते हैं वन सच सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन. अगर पार्टिकल अपनी जर्नी एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम. इसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने को बच्चों जो समय लगता है, टाइम लगता है, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड. वेरी सिंपल डेफिनेशन. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन वन सेकंड. एक सेकंड के अंदर पार्टिकल कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है उसे कहा जाता है बच्चों क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. अब ये फॉर्मूला आया कहां से? चेक कर लेते हैं. मैं बोलूंगा बच्चों टी सेकंड के अंदर वो कवर करता है वन ऑसिलेशन. टी सेकंड के अंदर वो कवर करता है वन ऑसिलेशन. मैंने कहा फ्रीक्वेंसी में n सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कवर कर रहा है वो 1 सेकंड में. इज इट क्लियर? क्रॉस कर लो t into n, t n is 1 into 1, 1. तो यहां से आप लिख निकाल लो n is equal to what? 1 by t. Hence proved. इज इट क्लियर बच्चों? दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM का में अब यहां पे आएगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा. इज इट क्लियर? और ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या फिर उसको बोलते हैं 2 पाई
स्मॉल एम, इज इट क्लियर? 2 पाई मतलब क्या? कंप्लीट। अब यहां से मीन से एक्सट्रीम आया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इसने कितना फेज कवर किया? 2 पाई। समझ लो, जीरो यहां पे उसका फेज जीरो है, इनिशियल फेज जीरो है, जीरो से पाई बाय टू, पाई बाय टू से वापस पाई बाय टू आया। अब देखो मैं आपस आपको समझा दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट, फेज बता दे रहा हूं। फेज यहां पे इनिशियल फेज कितना था इसका? शुरुआत में जीरो, पार्टिकल हमारी जर्नी मीन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल फेज जीरो है, जीरो से वो एक्सट्रीम गया पॉजिटिव, यहां पे फेज हो गया पाई बाय टू, इज इट क्लियर? फिर पाई बाय टू से कहां पे आया? जीरो पे। जब पाई बाय जब एक्सट्रीम से मीन पे आया, वापस पाई बाय टू आया, तो इस पाई बाय टू में ये वाला पाई बाय टू आप ऐड करो, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, तो यहां पे हो गया पाई, इज इट क्लियर? अब यहां से वापस जाएगा एक्सट्रीम, तो फिर गया पाई बाय टू, तो ये पाई में, ये पाई में, ये पाई बाय टू ऐड करो, पाई प्लस पाई बाय टू, हो गया 3 पाई बाय टू। वापस आएगा पाई बाय टू, तो इस 3 पाई बाय टू में इसका पाई बाय टू ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, इज इट क्लियर? तो सीरीज 0 पाई बाय टू पाई, 3 पाई बाय टू 2 पाई, इज इट क्लियर? समझ में, दैट इज द फेज। तो ओमेगा क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो 1 बाय टी मतलब क्या होता है इसको? फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एन भी बोल सकते हैं, इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हुई तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों अब बात करेंगे हम लोग डेरिवेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आओ देखो, बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन इन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पार्टिकल परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? बच्चों एज वी नो दैट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से d2x अपॉन dt स्क्वायर इसको उधर भेज दो, तो देयरफॉर d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब होता है बच्चों क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is the differential, this is the equation of acceleration in simple harmonic motion, जो कि बहुत ज्यादा important है, memorize करो। बच्चों ये हुआ acceleration, यहाँ से जाएंगे हम लोग velocity। अभी हमने ये prove कर लिया, मैं इसको side में लिख देता हूँ कि acceleration is equal to क्या है अपना? Minus omega square x, is it clear? Now, अब बात करेंगे बच्चों velocity के बारे में, velocity in simple harmonic motion। Velocity in simple harmonic motion, जो कि इस equation के ऊपर आएगा। As we know that, हमें क्या पता है? हमने अभी prove किया था, acceleration is equal to what? Minus omega square x। यहाँ से हम लोग कहेंगे velocity, मतलब जो particle SHM perform कर रहा ना, उस particle का velocity का equation निकाल रहा है। Is it clear? देख, बच्चों acceleration होता है dv upon dt is equal to what? Minus omega square x, definition। यहां बच्चों मैं dx से मल्टीप्लाई करूंगा और dx से डिवाइड करूंगा, एडजस्टमेंट dv अपॉन dx इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मैंने dx से मल्टीप्लाई भी किया और dx से डिवाइड भी किया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी, इसे लिखा मैंने v, और ये एज इट इज dv अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये dx चलेगा राइट साइड में, तो क्या आया? v dv is equal to what? Minus omega square x into what? dx, is it clear? अब बच्चों तुम्हारा mathematical function use करेंगे, mathematics, क्या use करेंगे? Integration, इसको लगाया हमने integration, integration of v dv क्या होगा बच्चों? v square by 2 is equal to क्या आएगा? Minus omega square area बाजू में, integration of x dx आएगा, x square by 2 plus c, c is what? Constant of integration, और इससे मैंने बोला equation number 1, क्या है हमारा? देखो चेक कर लो, v square by 2 is equal to minus omega square, integration के बाहर लिया, integration of x dx आया x square by 2 plus c। अब मुझे c का वैल्यू निकालना है बच्चों। अब मैं बोलूंगा at maximum position, ध्यान दो, maximum position मतलब क्या? extreme position, extreme position के ऊपर, अगर ये मैं अपनी cap, इसको मैं एक extreme level पे फेंकता हूँ,
फेंकने का क्या हुआ, एक हाइट तक गया, वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो कुछ समय के लिए, इज इट क्लियर। और एक्सट्रीम पे गया तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, मतलब एक्स का वैल्यू कितना था, ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और वेलोसिटी क्या हुई यहां पे, फाइनल जीरो। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे v इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू करेंगे हम लोग a, इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है, गॉट इट। अब एम्पलीट्यूड अपन लोग a से कैपिटल a से नोट किए, इसलिए a लेता हूं, इज इट क्लियर, नो प्रॉब्लम। यहां पुट अप करेंगे, v क्या आया, 0 / 2 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पुट किया मैंने a स्क्वायर / 2 + c, माइनस इधर चले गया तो c की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर / 2, दैट्स इट। और ये c का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या वाला, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 मेरा बन गया v स्क्वायर / 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर / 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल a स्क्वायर / 2। यहाँ का 1 by 2 कॉमन ले लिया, इधर का 1 by 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर ऊपर का बचा, क्या बचा, v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल a स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे बोलूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आएगा कैपिटल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v बराबर आएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। This is the equation of velocity in simple harmonic motion. क्या आया हमारा equation? देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square. इन equations का आगे बहुत काम है, मैं इसको भी बाजू में नोट कर लेता हूं, v is equal to आया हमारा plus minus omega under root के अंदर आया a square minus x square, जो कि बहुत ज्यादा important है, is it clear बच्चों? तो ये हुआ आपका वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद में प्रूव करेंगे बच्चों हाथों हाथ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, देखो मैं यहां लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी सिंपल। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन जो कि हमने अभी प्रूव किया। हमने क्या प्रूव किया था, v इज इक्वल टू, इसका वैल्यू करेंगे v इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां से इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, ध्यान दिया मुझे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx / dt इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अंडर रूट में क्या आया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dt जाएगा इधर, अंडर रूट आएगा इसके नीचे, रिप्लेस कर दिया, dx अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू dt, वापस तुम्हारा मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन अप्लाई हो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब बच्चों इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, इसका फार्मूला है sin इनवर्स ऑफ x / a, is it clear? यहाँ पे is equal to omega लिया integration के बाजू में, integration of dt क्या आएगा बच्चों, small t, तो omega t plus constant लेंगे यहाँ पे alpha, is it clear? sin inverse इधर चले गया, तो x upon a is equal to what, sin of bracket में आएगा omega t plus alpha, a को यहाँ पे ले लिया, तो x is equal to आएगा capital A sin of omega t plus alpha, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां से डेवलप हो गया। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, ये भी हमने प्रूव कर लिया, इसको भी हम लोग बाजू में नोट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल a sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, इज इट क्लियर। हमने आज के डेरिवेशन में, आज की इस वीडियो में देखा कि एक्सेलरेशन इन SHM, वेलोसिटी इन SHM और डिस्प्लेसमेंट इन SHM। बच्चों ये अल्फा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज epoch, epoch, ये डिसाइड करेगा हमारा पार्टिकल एक्चुअल में कहां, उसका नेचर कैसा है। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो लिया तो इक्वेशन क्या बन रहा, x इज इक्वल टू व्हाट, a sin
ओमेगा टी। अगर मैंने अल्फा की वैल्यू लिया पाई बाई टू तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू व्हाट, ए कॉस ओमेगा टी। मतलब अल्फा डिसाइड करेगा कि अल्फा अगर जीरो है तो पार्टिकल का इक्वेशन क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, और अल्फा अगर पाई बाय टू है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। मतलब अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब हमारा पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है मीन पोजिशन से। हम लोग और इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको बार बार देखो, रिपीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको ये 100% याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।